हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूँ सागली और आप देख रहे हो सागली वीलॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के कंप्लीट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी मेरिट फी के बारे में। बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स थे जिनके बारे में हमने डिस्कस नहीं की लास्ट वीडियो में, जैसा कि टॉप 20 डिपार्टमेंट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और उसके साथ साथ जो उनके अंदर उनकी फ़ी है उसके बारे में भी। तो यहाँ पर रिमेनिंग डिपार्टमेंट होंगे और मैं आपको यहाँ पर आउटलाइन शेयर करता हूँ। सबसे पहले आउटलाइन में हम डिस्कस करेंगे कि फ़ी क्या है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये जो फ़ी है वो डिक्रीज़ होगी या इंक्रीज़ होगी आगे जो है दूसरे सालों में। एट द एंड हम वीडियो को कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। सो सबसे पहले याद रखें कि कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको जो फ़ी है डिपार्टमेंट्स की वो है 19K। यहाँ पर 18K है लिखी हुई, ये 2023 का है, लेकिन 2024 में जहाँ पर 18,500 है अब जो है वो, तो अब यहाँ पर एक सबसे पहले बात आपको समझनी है। यहाँ पर 18,500 है, तो यहाँ पर आप अभी जो है 2024 में की गई है फ़ी वो की गई है 19,500, ठीक है। देयरफॉर सबसे पहले जो फ़ी है मतलब पर सेमेस्टर की वो 19,500। उसके बाद जो आपको फ़ी देनी है वो देनी है कंप्लीट पहले साल की, पहले साल की कंप्लीट आपको फ़ी 1 ईयर की देनी है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड ईयर में आपकी फ़ी होगी 19 से रिड्यूस होगी, रिड्यूस मीन टू से कम होगी, वो 19 से नीचे होगी, 17K हो जाएगी आपकी फ़ी हर डिपार्टमेंट की, जिस डिपार्टमेंट की यहाँ पर 19K है। तो ये जहाँ पर भी 18,500 है तो यहाँ पर ऐसे समझें 19,500 है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका डिपार्टमेंट है वो है एंथ्रोपोलॉजी आर्कियोलॉजी, उसकी जो आपकी ईयर की फ़ी है वो 19 वो हो गए हमारे 38 और 500 जो हमारा दूसरा था 39K। अब जो आपकी पर एनुअल फ़ी होगी यहाँ पर वो होगी 39K। अब देखते हैं वो कौन से होंगे डिपार्टमेंट। पे सबसे पहला होगा एंथ्रोपोलॉजी या आर्कियोलॉजी, उसके बाद है अरबिक। अरबिक में बहुत से स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट था तो उसकी जो पर सेमेस्टर है वो 19K, लेकिन एनुअली जो आपको फ़ी देनी होगी पहले साल में वो होगी 39K, ठीक है। उसके बाद आर्ट हिस्ट्री, बैंकिंग एंड फाइनेंस, BED एलिमेंट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कोस्टल एंड मरीन साइंस, कॉमर्स, कम्युनिकेशन डिज़ाइन, कंपरेटिव रिलीजन, क्रिमिनोलॉजी, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट हैं इंग्लिश के, इंग्लिश लिंग्विस्टिक इसकी जो फ़ी है वो है 19K and 500, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, यहाँ पर ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, इंग्लिश के अंदर तीनों की सेम फ़ी है। उसके बाद एनवायरमेंट साइंस, फाइन आर्ट्स, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फ्रॉड कम्युनिकेशन, फ्रेश वाटर बायोलॉजी जिसे हम फिशरी कहते हैं, जनरल स्टडीज़, जनरल हिस्ट्री, जेनेटिक्स, जोग्राफी, जियोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इसकी जो फ़ी है अभी वो हो गई है हमारी 38K, ठीक है, 38 to 39K अभी हो गई है इसकी। इस्लामिक स्टडीज़, बहुत से स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट था इस्लामिक स्टडीज़ में तो ये आपके सामने है फ़ी। उसके बाद है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड मीडिया कम्युनिकेशन, मीडिया कम्युनिकेशन जिसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। अब यहाँ पर देखो ये 18,000 से हमारी जो फ़ी है वो रिड्यूस हो गई है, किस में रिड्यूस हो गई है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड की दोनों एक साल की आपको फ़ी देनी होगी, और जो थर्ड सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो 15,000 है 18,000 से लेके, सो ये रिड्यूस होती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर ये डिटेल्स हैं, ठीक है, सारी। सबसे पहले ये डिटेल्स है कि आपको जो 2 मंथ्स की 2 सेमेस्टर की फ़ीस देनी होती है सबसे पहले, ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर पहले साल में। उसके बाद हम देखते हैं मैथमेटिक्स की जो फ़ी है वो है आपके सामने 19,500, ठीक है, ये 2023 का है प्रोस्पेक्टस, लेकिन जो न्यू आएगा अभी वो 2024 का, उसमें जो फ़ी की जाएगी वो होगी 19,500। तो एक साल की आपको देनी होगी एक साथ, उसके बाद 38 to 39K हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स, मेडिकल लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी इसे कहते हैं MLT, बहुत से स्टूडेंट्स का सवाल था MLT की कितनी फ़ीस होगी,
तो एम एल टी की आपको फ़ी होगी वो होगी 38,000 और 39,000 एनुअल, जो आपको पहले साल देनी होगी, उसके बाद आपकी हो जाएगी थर्ड सेमेस्टर में 15,500, इसे समझो 16,000। मुस्लिम हिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड फूड्स एनालिस, पाकिस्तान स्टडीज़, पर्शियन, फिलोसॉफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस का भी हो गया, फिजियोलॉजी का हो गया, फिलोसॉफी का भी हो गया, ये स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। उसके बाद है पॉलिटी फॉर्म एंड मैनेजिंग, पब्लिक हेल्थ, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का भी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। उसके बाद है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद है रूरल डेवलपमेंट स्टडीज, सिंधी डिपार्टमेंट, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, स्टेटिक्स, टेक्सटाइल, उर्दू, जूलॉजी। तो ये सब की फी आपके सामने है। आगे जो फी है वो आप हम डिस्कस करते हैं। आगे सबसे पहले बीबीए की फी है, वो है 19। तो यहाँ पर बीबीए की इंक्रीज गई है, की गई है, कितनी की गई है, 20K। जहाँ पर 19 देखो वहाँ पर 20K देख लो, ठीक है, बीबीए। उसके बाद ये जो तीन चार डिपार्टमेंट है कंप्यूटर के एक साथ, कौन सा कौन सा, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, इन सब की जो है वो 20K की गई है। और जो रिड्यूस होगी नेक्स्ट यू नो सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में, वो होगी कितनी, 18K हो जाएगी। ये देखो मेरिट पे कितने यू नो सस्ते में ये डिपार्टमेंट स्टडीज है हो रही है आपकी यूनिवर्सिटी में, बजाय आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में जाएँ वहाँ पर जो है आपको 40K 50K पर सेमेस्टर होता है, पर ईयर नहीं, सही है। सो आगे चलते हैं, फार्मेसी, फार्मेसी फॉर्म डी की 5 ईयर्स का ये जो प्रोग्राम होता है उसकी 22,000 है, तो यहाँ पर अब जो होगी वो 23K होगी। आगे है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यहाँ पर ये पैकेजेस हैं एलएलबी के कितने हैं, 40K, तो यहाँ पर 42K या 41K इस साल होगा। तो ये साल की फी होगी हमारी कितनी, 40 and 40 80K, एक साल की हो लेंगे, ठीक है, पर सेमेस्टर होगी 40K, साल की होगी 80K, इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके साथ साथ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो ये आप देख लें मेरिट की आपकी हो गई, ठीक है। सो अगर आपने टॉप 20 का नहीं देखा तो आप जाके टॉप 20 का देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में पूछें, ये मेरा इंस्टाग्राम है और ये मेरी जीमेल है, काइंडली ये जो दो नंबर हैं जोंग और मोबलिंग उन पे कॉल वगैरह ना करें, मेरे दोस्त हैं वो मुझे ऐसे समझो गालियाँ भी दे रहा है कि तूने क्या कर दिया, फाइल्स में ना डालते, वो पता नहीं लड़के कहाँ से उसे कॉल कर रहे हैं, तो काइंडली उसे ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।